बिहार की राजधानी पटना में ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका गुप्ता को आपने देखा होगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। अब हम आपको भागलपुर स्मार्ट सिटी में रहने वाले बीए पास चिकन वाले से मिलवाने जा रहे हैं। जी हां, सुल्तानगंज के रहने वाले अनंत सिंह और बरारी के शुभम आनंद, जिन नौकरी नहीं मिलने पर छोटे से ठेले में चिकन चावल के स्टॉल से छोटी सी शुरुआत की है। दिल्ली विश्वविद्यालय में हिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई में टॉपर आने वाले अनंत कहते हैं कि पढ़ाई खत्म कर नौकरी के लिए दर बदर भटकने के बाद उन्हें प्राइवेट नौकरी को ठुकराते हुए खुद का नया स्टार्टअप करने की चाहत हुई। एक साधारण से किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले अनंत और शुभम की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, ऐसे में उन्होंने खुद के दम पर कुछ करना चाहा और बैंक से लोन लेकर खुद मैदान में उतर गए। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएट होने के बावजूद जब सड़क पर डोर टू डोर जाकर चिकन बेचने निकले तो प्रथम दौर में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दोनों युवाओं ने कहा कि परिवार के लोग तरह तरह की बातें करने लगे और लोग उन पर कटाक्ष भी करते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जिले के मेडिकल कॉलेज के पास अपने चिकन चावल की रेहड़ी लगाकर शहरवासियों को अपने जायके का स्वाद चखाया। वे कहते हैं, पहले तो मुश्किल से 10 से 20 प्लेट चिकन ही बिक पाई, लेकिन कुछ माह के बाद उनके चिकन चावल लोग चाव से खाने लगे। इस सफर की अगर बात की जाए तो मेरी शुरुआत भागलपुर से, हम पढ़े हुए हैं और ये डीएवी स्कूल बरारी में है। तो ग्रेजुएशन इसके बाद हमने दिल्ली विश्वविद्यालय से किया, श्री अरविंदो कॉलेज अग्नि, और हमारा ऑनर्स हिस्ट्री और क्लासिकल म्यूजिक से हमने ग्रेजुएशन किया है। और फिर हमने बीएड की भी तैयारी की और बीएड भी हमारा कंप्लीट है। तो हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट, ये हम दोनों साथी हैं और हमने ये पहले ही सोचा हुआ था कि अगर ग्रेजुएशन करने के बाद अगर नौकरी में अगर विलम्ब होता है या किसी चीज़ की अगर कोई आर्थिक रूप से अगर परेशानियाँ आड़े आ रही हैं तो कुछ न कुछ जो है ऐसा काम किया जाए जिससे कि आम जनों से लेकर जिससे आम जनों को भी हमारे हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आम जनों को भी फायदा हो रहा है और हमें भी कुछ फिनंशियली सपोर्ट मिल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हम दोनों मिलकर बात किए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हमने सोचा कि नहीं, ये ठीक है एक सस्ता एक अच्छे रेट में, आज के समय में आप देखते हो कि 50 रुपये 60 रुपये की कोई कीमत नहीं है और एक अच्छे रेट में 60 रुपये में आपको घर जैसा खाना, सबसे बड़ी बात घर जैसा खाना, शुद्ध सारा मसाला, सारा पिसा हुआ सारा मसाला खड़ा लेकर हम लोग पिसवाते हैं खुद। ये हमारे सेफ हैं सब साथ में, ये सारे हम लोग काम कर रहे हैं, सारे लोग आए हैं इधर उधर से, सारे लोग भी दिल्ली में ही रहते थे, हमने बुलाया उन्हें कि आइए हमारे जो हम कर रहे हैं उसमें सहयोग कीजिए। तो हम 60 रुपये में चाहे वो आम जन हो, चाहे सब्जी बेचने वाले हो, गरीब मजदूर हो, विद्यार्थी हो, सबों के लिए अवेलेबल है। 60 रुपये बस कीमत है, बस हम यही कॉन्सेप्ट है हमारा कि इससे कि कम से कम ये हो कि आम लोगों को भी हमारे मतलब ये पेट भरे, वो भूखा पेट ना सोए और और दूसरी बात ये है कि इससे हमें भी कुछ ना कुछ जो है आर्थिक रूप से हमें भी मदद मिले। सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक आपने बोला कि एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से, तो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक अगर मैंने किया है तो अगर सही तरीके से हमने शिक्षा लिया है तो सबसे पहली बात ये होती है कि सही शिक्षा लेने का मतलब ये होता है कि हमें पता है कि हम किसी भी काम को ग्राउंड टू अर्थ हम क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं, हम कैसे जानेंगे उस चीज़ को। जैसे आपने बोला कि हम किसी बड़े कॉन्सेप्ट से शुरू कर सकते हैं, 5 लाख लगा देते, 10 लाख लगा देते, 20 लाख लगा देते, यहाँ देखिए ये 20-25। इसके पीछे का जो हमारा मोटो है वो यही है कि जो आम जन हैं, आम लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, कोई रिक्शा वाला है, कोई ठेला वाला है, और आप देख सकते हैं यहाँ कितने रिक्शे वाले सब रिक्शा स्टैंड लगा के रखे हुए हैं। तो हमारा यही मकसद था कि आम जन तक खाना पहुँचे सस्ते में, घर का बना हुआ चिकन चावल लोगों तक पहुँचे। जी, हम और हमारे मित्र हैं और हम दोनों प्रारंभिक शिक्षा डीएवी पब्लिक स्कूल बरारी भागलपुर से हमारी प्रारंभिक शिक्षा हुई है। बाद के समय में हमारा जो 12th हुआ वो बोकारो पब्लिक स्कूल से हुआ, बोकारो से, और बाद में मैं मेडिकल की तैयारी करने के लिए मैं कोटा भी गया था, मेडिकल की तैयारी भी की, लेकिन मतलब अगर आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है तो आप तो समझ सकते हैं कि फ़ी कितनी हाई होती है मेडिकल कॉलेज की। तो इस वजह से बाद में हमने उस चीज़ से आगे बढ़कर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स किया और उसके बाद फिर ये सब कुछ कंसेप्ट स्टार्ट किया है। ये कुछ अलग करने की सोच हमेशा से रही है और हम तो इसी सोच को आगे बढ़ा करके आगे ले जाने के लिए हमारा ये भी कंसेप्ट है आगे चल के कि एक जगह से इसको दूसरे जगह लगाएं, फिर तीसरे जगह लगाएं। तो इसी कंसेप्ट पर भी काम चल रहा है और मार्केट का वैसा रिस्पांस भी मिल रहा है।
प्रारंभिक दौर में तो चाहे वो समाज हो, परिवार हो, सबका सुनना पड़ा ताना बाना कि ये क्या कर रहे हो, ये किस धंधे में घुसा है आप। तो प्रारंभिक समय में सुनना पड़ा, सबका सुनना पड़ा, लेकिन उस चीज़ को सुनते हुए जो हमारा लक्ष्य था उस पर हम आगे बढ़ते गए और आखिरकार ये आज इसको हम पूरा कर पाए हैं। मतलब ज़्यादा सही होता है, शुरुआत से ही हमारी एक सोच थी कि साथ में कुछ ना कुछ तो करना ही है। ये 6th-7th class से ही जब हम लोग स्कूल में थे, हम लोग गाना बजाने में काफ़ी आगे रहे। DAV को मैंने काफ़ी सारा प्राइज दिलवाया स्कूल को, सिंगिंग के तौर पे, क्लासिकल डांस के तौर पे। आपको बता दें, अनंत ने भागलपुर की DAV स्कूल में पढ़ाई की है। रिश्तेदारों के यहाँ रहकर पढ़ाई करने वाले अनंत में बचपन से पढ़ाई का लगाव रहा, इसलिए वो अपने आगे की पढ़ाई करने दिल्ली गया और वहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में अरविंदो कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई की। पर नौकरी नहीं मिलने पर उन्होंने BEd की भी पढ़ाई की, फिर भी सफलता नहीं मिली। वहीं शुभम आनंद व्यापारी परिवार से आते हैं, उन्होंने तिलका मांझी विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की है। शुभम आनंद और अनंत बचपन के साथी होने के कारण व्यापार की शुरुआत की और कहा कि प्रदेश में व्यापार की स्थिति काफी लचर है, हालांकि उन्हें इसका कोई मलाल नहीं और वे लोग मेहनत कर स्वयं अपने बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए एक विजन भी तैयार किया है। अनंत और शुभम ने सभी पढ़े लिखे युवाओं से अपील की कि दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस काम करने का जज्बा लोगों के अंदर होना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि वे धीरे धीरे इस काम को आगे बढ़ाएंगे और BA पास चिकन चावल के नाम से कई जगहों पर अपना स्टॉल खोलेंगे।